Welcome back to our channel JD Coaching Classes. So in this video we are going to see important points on chapter number 8, that is cell biology and biotechnology. So start karte hai first page se. Okay, so first page pe jo aapko important point diya hai wo hai these cells give rise to all other. Ab yahan pe jo these cells diya wo stem cells ka hai. Okay, so stem cells ka aapko yahan pe yaad rakhna hai point hai ye. Stem cells give rise to all other types of cells present in the body of multicellular organism. So this is the first important point. Then stem cells are present in umbilical cord. Then second, they are present in blastocyst stage of embryonic development. And third one, they are also present in red bone marrow and adipose connective tissue of adult human beings. Okay, so ye three points yahan se aapko yaad rakhne hai. Then next one, depending upon source, stem cells are of two types, embryonic stem cells and adult stem cells. Okay, then next important point is on uses of stem cells. So uses mein aapko kya yaad rakhna hai, जितना भी आपको देख रखा है ना हाईलाइटेड ऑलरेडी, सो बोल्ड जो किया हुआ है वो आपको याद रखना है, ये यूजेस है स्टेम सेल्स के. सो आपको ये तो याद रखना है एज इट इज. ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको एक्ट जो दिया हुआ है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994. सो ये एक्ट आपको याद रखना है. ये एक्ट में क्या बोल के रखा हुआ है, ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन विल बी ट्रांसपेरेंट. ओके, एंड एनी पर्सन वुड नॉट बी चीटेड. ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये एक्ट के थ्रू बोला गया है. देन बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स फॉलोइंग मेन एरियाज. सो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना, फॉलोइंग मेन एरियाज, जितने मेन एरियाज में है आपको ये सब याद रहने चाहिए. देन बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सो ये तो आपको पढ़ना ही है बेनिफिट्स, एंड आपने पहले ही पढ़ा रहेगा थियोरी के टाइम पे. ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया. सो इसमें आपको जो भी इंस्टीट्यूट के नेम देके रखे दिस यू टू गो थ्रू वंस, एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो ये इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देख के रखा हुआ है वो आपको यहाँ पे बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है वो वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है. सो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है. ओके, सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें आपको जो भी एग्जाम्पल्स है, एक दो एग्जाम्पल्स देखो आपको देख के रखा हुआ है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ओके, एंड गोल्डन राइस, तो ये सब आपको याद रखना है. देन बायो फर्टिलाइजर्स में भी आपको याद रखना है, ये जो आपको देखे रखा हुआ, ड्यू टू यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ द प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड. ओके, एंड एग्जाम्पल देखे रखा हुआ है आपको कुछ इसमें प्लांट के. ओके, सो आपको वो भी याद रखना है. एंड मेनली द बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एसोटोबैक्टर, नोस्टोकाइनाबेना एंड प्लांट्स लाइक अजोला आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर. तो यही एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है. देन एनिमल हस्बेंड्री, सो एनिमल हस्बेंड्री में जो आपको दो मेथड देके रखे हुए हैं एनिमल हस्बेंड्री को मतलब स्टार्ट करने के, और आप बोल सकते हो ऐसा कि रिप्रोडक्शन का, तो आपको याद रखना है. तो यहाँ पर दो मेथड यूज़ करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में रिप्रोडक्शन के लिए. द फर्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड सेकेंड वन इज एम्ब्रियो ट्रांसफर. तो ये दोनों मेथड यूज़ करते हैं जस्ट ऑनली टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स. ओके, तो आपको ये याद रखना है. अभी ह्यूमन हेल्थ में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये याद रखना है इंसुलिन वाला एग्जांपल, हार्मोन इंसुलिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़. एंड पहले के टाइम पे जो इंसुलिन होता था वो पैंक्रियास ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स के पैंक्रियास से मिलता था, बट अभी बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो इंसुलिन होता है वो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इन एनी अमाउंट. ओके, देन वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन. सो वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन में आपको ये पार्ट याद रखना है, वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल given to acquire either permanent or temporary immunity, okay, against a specific pathogen or disease, जैसा अभी कोरोना के टाइम पे है. ओके, जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है टू अक्वायर परमानेंट इम्यूनिटी. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, एडिबल वैक्सीन. सो इसमें जो एडिबल वैक्सीन है उसके एक दो एग्जाम्पल आप याद रख लेना, एंड जो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, ट्रांसजेनिक पोटैटोज का इसमें आपको दिया हुआ है. ओके, सो आपको याद रखना है. देन ट्रीटमेंट, सो ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी का. सो दिया हुआ एग्जांपल लाइक इंसुलिन जो अभी हमने देखा. ओके, एंड सिमिलरली आपको सोमैटोट्रोपिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो ये केसेस में भी यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी का ट्रीटमेंट के लिए. ओके, देन आपको ये नेक्स्ट वन भी गो थ्रू कर लेना है एक बार, इंटरफेरॉन. ओके, तो इंटरफेरॉन किसको बोलते हैं, सो आपको याद रखना है. सो फर्स्ट पॉइंट जो देके रखा है वही. ओके, एंड एग्जांपल्स देके रखा हुआ है. देन जीन थेरेपी, सो जीन थेरेपी में आपको याद रखना है ये क्यों यूज़ करते हैं, टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जीन के अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं जो बाय बर्थ रहता है तो उसको ट्रीट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल देके रखा है फिनाइल क्विटोनोरिया.
ओके, सो ये एक एग्जांपल देके रखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। देन क्लोनिंग, सो क्लोनिंग में तो आपको पता ही है प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका इसमें होता है। ओके, सो ये डेफिनेशन देके रखा हुआ है, सो आपको ये याद रखना है टर्म रेप्लिका। रेप्लिका बनाया जाता है मीन्स एज इट इज सेम टू सेम बनाया जाता है ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपको दो टाइप देके रखा हुआ है, वन इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड सेकेंड वन इज थेरापेटिक क्लोनिंग। ओके, सो ये आपको दोनों टाइप्स याद रखने के। देन नेक्स्ट जो आपको देके रखा हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वाइट बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। पूरा नहीं पढ़ना है इसमें, सिर्फ आपको ये आप टॉपिक भी याद रख लोगे ना तो बस है। इसका मतलब जो इसका जो बोल्ड में जो आपको नेम देके रखा हुआ है अगर वो भी आप याद कर लेते हो तो उतना बस है, बिकॉज ये सब किस में आ रहा है, ये सब आ रहा है आपको बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, देन फूड बायोटेक्नोलॉजी, एंड इसके पहले उन्होंने ये नहीं देखा ना। ओके, ये भी एक देख लेते। फाइटो रेमिडिएशन एंड बायो रेमिडिएशन, सो बायो रेमिडिएशन का आपको डेफिनेशन याद रखना है जो ऑलरेडी मार्क्ड है, एंड सिमिलरली फाइटो रेमिडिएशन, फाइटो मीन्स जहाँ पे प्लांट यूज होंगे आपको वो याद रखना है। देन सिमिलरली फूड बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। एंड यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशंस, तो इसमें आपको साइंटिस्ट का नेम याद रखना है डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये एक इंडियन अमेरिकन सिटीजन है। ओके, सबको ये याद रखना है, सो इनको क्रेडिट दिया जाता है ये डिस्कवरी के लिए। ओके, देन अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको जो दो पॉइंट याद रखने के, वो एक तो ये डेफिनेशन इसका, एंड जो सेकेंड है जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देख रखा हुआ डेफिनेशन मेथड सप्लायर से लेके लास्ट तक। ओके, एंड सेकेंड दोनों साइंटिस्ट के नेम, एम एस स्वामीनाथन एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। एंड यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देके रखे हैं इंस्टीट्यूट के, तो आपको वो याद रखना है एस इट इज। देन सिमिलरली वाइट रिवॉल्यूशन में भी, सो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट का नेम याद रखना है एंड डेफिनेशन याद रखना है, एज वेल एज इन ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन में साइंटिस्ट का कुछ नेम नहीं है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद रखना है। एंड नील क्रांति मिशन 2016 आपको ये याद रखना है। ओके, सो गवर्नमेंट ने ये मिशन में क्या बोला था, क्या लॉन्च किया था, आपको वो याद रखना है। देन फर्टिलाइजर के आपको टू टाइप्स याद रखने के, टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक तो आपको देके रखा हुआ ऑर्गेनिक एंड दूसरा दिया हुआ केमिकल। ओके, सो आपको ये दोनों याद रखना है। एंड इंसेक्टिसाइड्स में कुछ एग्जाम्पल याद रखना है जो भी डेंजरस थे, सो इसमें एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हाईलाइटेड है। एंड नेक्स्ट वन आपको देखे रखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसमें कोई एग्जाम्पल तो है नहीं, बस इसमें आपको जो लास्ट का पॉइंट है एक वो आपको याद रखना है जब दिया, हाँ ये, इट इंक्लूड्स कंप्लीट बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड यूज ऑफ लोकल स्टडी वराइटीज एंड देयर बाय मेंटेनिंग द नेचुरल बैलेंस। ओके, देन एपिकल्चर, सो एपिकल्चर में आपको क्या याद रखना है, बीज का यूज़ करते हैं एंड ये भी कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ होता है। ओके, देन कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट्स याद रखने लायक, ये तो आपको पता ही रहेगा, इसमें मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टिवेट करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पज। एंड सिमिलरली जो फ्रूट प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, सो इसके अंदर जो आपको कुछ एग्जांपल्स देके रखे हुए वो हाईलाइटेड है, सो आपको ये याद रखना है। सो ऑल दिस वेर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आई होप कि आपने मार्क किया रहेगा। एंड अभी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है दैट यू टू डाउनलोड, एंड डाउनलोड करने के बाद में आपको सॉल्व करना है, एंड वी विल बी अपलोडिंग द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then goodbye.